नमस्कार, मैं आरती प्रजापति। आज आपने मैंने जो लिख रखा ऊपर, उसमें आप देखना कि मैंने किसके लिए मैं ये लाइव आई हूँ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्कर अपने आप को बनकर या समाज से भी बनकर या फिर हिंदुत्व के नाम पे के संगठन से जुड़कर बनकर उनसे पैसे ठगते हैं। मैं बात करूंगी आज, मैं जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं, जितने भी मेरे को युवा देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो हिंदू से हो, चाहे मुसलमान कम्युनिटी से हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, उन सभी भाइयों से मैं बोलना चाहती हूँ कि हम भी हिंदू हूँ, मैं भी जय श्री राम के नारे लगाती हूँ। तो ये तो है नहीं कि अगर मैं अदर पार्टी में हूँ तो मैं राम को या राम से मैं खिलाफ हूँ। हम सभी एक हैं, सभी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं ये वीडियो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ठगी का काम कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, उन लोगों से बच के रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उपदेश राणा की। बहुत से लोग उसको जानते होंगे जो मेरी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो बहुत लोग जानते होंगे उपदेश राणा को। उन जो लोग जुड़े हुए हैं उसके पेज से, उसके पेज पर जाके देखो, उसने कमेंट का बॉक्स बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2019 में और 2018 में पैसे दिए थे मैंने उसको, उसके नाम पे कि एक हम इवेंट करना चाहते थे। वो मैं जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था तो हम जंतर मंतर पर मिले थे और उनसे मिली, मैं बात करी, अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उसके बाद उन्होंने जो मेरे साथ किया, हमने एक इवेंट डिसाइड किया था, इवेंट के नाम पर मैंने उनको पैसे दिया था कि हम लोग एक इवेंट कराएंगे जिसमें कई रेसलर थे और रेसलर हम रेसलिंग का प्रोग्राम करना चाहते थे, तो रेसलिंग के नाम पर मैंने उनको पैसे दिया था कि हम लोग एक प्रोग्राम करवाएंगे। वो प्रोग्राम हमने नहीं करवाया, वो कैंसिल हो गया। जब मैंने उनसे पैसे मांगने की बात करी तो उन्होंने मुझे 1,00,000 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए दिए और उन्होंने बोला कि मैं पैसे दूंगा आज नहीं, कल आज नहीं। आज 2022 चल रहा है और 2018 में पैसे दिए थे। और मतलब हद होती है किसी चीज की। जब मैंने उनको मैसेज किया तो दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। मैं आपको उनके नंबर भी शेयर कर वो कर दूंगी शेयर, आप इसमें मैं अभी अपने ऑफिस में बैठी हूँ और मैंने उनको नंबर दिए थे, पैसे दिए थे, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए, नंबर मेरी व्हाट्सएप से। और जब मैंने उनको मैसेज किया फेसबुक पर तो उन्होंने फेसबुक से भी ब्लॉक कर और कोई कमेंट ना करे, मतलब कमेंट ही बंद कर दिया। तीन चार लड़कियों से लड़कियों के जब मेरे पास मैसेज आने लगे कि हमसे भी ये करा है वो करा है, तो मैं ना जाने जन पता नहीं कितने लोग उसके शिकार बने हैं और कितने लोगों ने उसको पैसे दिए हैं। और पैसों के मतलब वो अपने आप को बोलता है और जो लोग उससे जुड़े हुए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब यकीन क्यों नहीं करते किसी की बात पर। यकीन करना सीखो। कितने लोग उसके शिकार बने हैं, कितने लोगों ने पैसे दिए। मेरे पे कम से कम 20 मैसेज आए हैं, 20 कॉल आई है कि हमारे साथ भी ऐसा किया है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग उसे बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, उसको कितना वो मानते हैं कि हाँ हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। क्या लड़ रहा है हिंदुत्व के लिए? तू हिंदुस्तान के लोगों के साथ ही गद्दारी कर रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी कर रहा है, तो क्या है तू? है ये उपदेश राणा जो है एक नंबर का ढोंगी पाखंडी। और आज मैं अपने मुंह से ये बोल रही हूँ, मैंने 2018 से 2022 तक मैंने कंट्रोल किया कि नहीं बोलना चाहिए, सोशल वर्कर है वो भी, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ढोंगी पाखंडी अगर कहीं मिल जाए तो उसे जूतों से मारना चाहिए। और मैं आरती प्रजापति फेसबुक के माध्यम से बोल रही हूँ कि जिस दिन मुझे ये उपदेश राणा जहां भी मिल गया, ये जूतों से पिटेगा, जूतों से। ये अगर दिल्ली में मुझे कहीं भी दिखाई दे गया तो ये जूतों से पिटेगा, मैं वादा कर रही हूँ आप लोगों से, जिन बहनों से, जिन भाइयों से पैसा लिया है ना इसने, ये जूतों से पिटेगा। और आज मैं फेसबुक के माध्यम से बोल रही हूँ कि ऐसे पाखंडी नौटंकी धोखेबाजों से दूर रहें। और ये इंसान क्या नाम है, अपनी अपनी बीबी का नहीं हो सका, ये अपनी माँ का नहीं हो सका, ये डोलता है
गाड़ियों में, महंगी महंगियों में, होटलों में स्टे करता है, महंगे महंगों में। माँ दर दर की ठोकर खा रही है, ठीक है, माँ परेशान है एक एक रुपये से लिए, बड़े बड़े दो दो तीन तीन फ्लैट खरीदे हुए हैं, ठीक है, और मतलब हद होती है किसी चीज की, अपनी बीवी इसने छोड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब ऐसे इंसान को तुम लोगों ने सर पे बिठाया हुआ है, ऐसे लोगों ने, जो वो इंसान किसी का कुछ है ही नहीं। मैं सभी भाइयों से बोलना चाहती हूँ कि जितने भी भाई मेरे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारी बहनों के साथ में, हमारी हमारे हिंदू के भाई, जो हिंदू हमारे भाई हैं, उनके साथ में अत्याचार ना हो, उनके साथ में ये ढोंगी नौटंकी धोखेबाज ये वो लोग उनसे सेफ रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं अपने सभी भाइयों से बोल रही हूँ, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं लाइव के माध्यम से, सभी से बोल रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उस धोखेबाज के पास में ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। ऐसे ऐसे लोगों के, जब अगर प्रोग्राम नहीं, उसके बस की नहीं था या कोई काम उसके बस की नहीं है, तो किसी से पैसे नहीं लेना चाहिए। आज चार पांच लड़कियों के मैसेज आए मेरे पास में, चार पांच भैयाओं के मैसेज आए कि इसने हमारे साथ भी ऐसे किया, और जब हम इससे मैसेज करते तो ये हमें ब्लॉक कर देता है। और ये नौटंकी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये नौटंकी कितना बड़ा नौटंकी है कि मतलब लोगों को कैसे अपने झांसे में ले लेता है, और बोलता है कि मेरे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से कांटेक्ट है, मेरे ये हैं वो हैं, हम लोग जन कितने लोगों से इसने बोला है कि मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, धोखेबाज है, इसके झांसे में कोई ना आए। और ये सोच रहा है कि मेरे मोदी या अमित शाह से मेरे लिंक है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भाई तू ये भूल में तो भूल जा, ठीक है। उपदेश राणा, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तूने पैसे वापस नहीं करे, ठीक है ना, तो तू तो गया, ठीक है। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तू तो जिन जिन से तूने पैसे ले रखे या तो उनके पैसे दे दे, नहीं तो तू जो लोगों के हिंदू को लू बना रहा है ना, और तो धरना प्रदर्शन करता है या लोगों के जाता है, तू हिंदू के नाम पे बोलता है, एक भैया बोल रहे हैं कि हमसे भी पैसे लिए हैं इसने। मैं बता रही हूँ आपको, जितने भी भैया मुझे देख रहे हैं उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और या तो ये जिनसे इसने पैसे ले रखे हैं सीधी तरीके से उनके पैसे दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत सबर कर रही थी कि तेरे लिए लाइव ना आऊं, लेकिन बेटा तेरे लिए लाइव आना पड़ा, क्योंकि तू, जब मैंने देखा ना कि तेरे फेसबुक पे इतने लोग तेरे से पैसे मांग रहे हैं और इतने लोग तेरे से वो कर रहे हैं, तो तूने फिर बंद कर दिया वो और ब्लॉक कर दिया। तेरा नंबर भी शेयर करूंगी सब में, ठीक है। और मैं पुलिस जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे ढोंगी को, नौटंकी को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। जितने लोगों से इसने पैसे ले रखा है, जितने लोगों को ये नोट ये पागल बनाता है, उन लोगों के पैसे दिलवाएं और इसे जल्दी से हिरासत में लें। मैं अभी बाहर हूं और जैसे ही मैं दिल्ली जाऊंगी वैसे ही मैं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगी। और उपदेश राणा, या तो तू पैसे दे दे लोगों के, नहीं तो तू मेरे से, तू अब तो गया, ठीक है ना। तू ये सोच रहा है ना कि मेरे पैसे, तू किसी के भी पैसे खा कर तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा या तू बच जाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर बीजेपी के लोगों के हाथ है तो तू बच जाएगा, तो ये तू चूज भूल जा, ठीक है। और चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे किसी के पास भी हो, है ना, चाहे राजनाथ आ जाए, किसी के भी तेरे ऊपर हाथ हो, तू बचने का नहीं है अब, ठीक है। कितने लोगों को तूने धोखा दिया है और कितने लोगों को करा है, अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना तो बेटा तू तो गया अब, ठीक है ना भाई। तूने बहुत गलत किया है लोगों के साथ में। मैंने जितने भी कमेंट देखे हैं ना, एक भी कमेंट ऐसा नहीं था कि जिसने तूने उसके साथ अच्छा कर रखा हो। और जितने भी हिंदू हिंदू बोलते हैं उन भाइयों से भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी ऐसे नौटंकी धोखेबाज, और ये अपने आप को बहुत बड़ा समाज से भी समझता है, इसने आज तक एक रुपया अपनी जेब से नहीं दिया होगा, क्योंकि ये कोई काम धंधा ही नहीं करता। ये लोगों से इधर उधर से पैसे लेता है, आधे पैसे उसको देता है जो पीड़ित परिवार होता है, और आधे पैसे अपने पॉकेट में रख लेता है, ठीक है। ये चंदा उगाही का काम करता है। तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि या तो तू सुधर जा,
या ना सुधरेगा ना, तो बेटा अब तू सुधरेगा। महिला टीम, जितनी भी महिला शक्ति मेरे साथ है, ठीक है, वो मेरे साथ है। मैंने डिसाइड करके ही तेरे लिए लाइव आई हूँ, सबसे पूछ पाछ के तेरे लिए लाइव आई हूँ कि तू तो अब गया, या तो तू सीधी तरीके से मुझे फोन करके मेरे पैसे वापस कर दे, जिन जिन लोगों से तूने पैसे लिए हैं उन लोगों के पैसे वापस कर दे, और जो तू इतना बड़ा हिंदू कोट पहनकर और तू भगवा रंग पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है ना, ये जितने भी नौटंकी बाग है, तो ये तू भूल जा अपने आप में कि तू अब बच जाएगा। तो मैं जितने भी भाइयों से कह रही हूँ, मेरी वीडियो उस तक जरूर पहुंचा देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जिन जो लोग उसको अच्छा समझते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। ये हिंदू के नाम के उपदेश राना, ये उपदेश नौटंकीबाज, ये धोखेबाज, ये सबको जो लूटता फिर रहा है और सबको ये पागल बना रहा है, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इसकी बातों में ना आए, और इस पर जल्द से जल्द पुलिस वाले, पुलिस भाइयों से, जो पुलिस वाले भाई हैं, जो उन तक मेरी अगर वीडियो, क्योंकि मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं, उन तक मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जहां भी मिले इसे अरेस्ट करा जाए और इससे ये बुलवाया जाए कि इसने किन किन लोगों से पैसे लिए और किन किन लोगों को इसने उल्लू बनाया हुआ है, किन किन कंपनियों को इसने उल्लू बनाया है, किन किन लोगों को इन्होंने उल्लू बनाया है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें सभी भाई मेरे, मेरे जो भाई हैं जो मुझे ये समझते हैं कि मेरे साथ कभी बुरा ना हो, अच्छा हो, और मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करूं, तो ऐसे नौटंकी बाजों को जरूर हिरासत में लिया जाए और जल्दी से इन पर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज, जय दक्ष महाराज की। और सभी भाइयों से कह रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सभी भाइयों से बोल रही हूँ।